नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। और आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपको टाइम टेबल का बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब आपका वक्त आ गया है असली मेहनत का। मेहनत तो आप पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं किए इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दें, अपना एक टाइम टेबल बना लें, उसी से पढ़ें। क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है, दो तीन महीना आपके पास, दो ही महीना है समझिए, ठीक है। दिसंबर धीरे धीरे आधा बीत जाएगा, फिर जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम ही है, तो मिला जुला के दो महीने का लगभग है। और इसको आप लोग पूरा टाइम टेबल बना करके अच्छे से पढ़िए। तो पहला देखिए आप लोग पेपर कौन सा है। आपका जो पहला पेपर है वह 22 फरवरी से आपका एग्जाम हो रहा है। कब से एग्जाम शुरू हो रहा है? 22 फरवरी से। और पहला जो आपका एग्जाम है वह गुरुवार को पढ़ रहा है और सुबह में 8:30 बजे से 11:45 तक है। 8:30 बजे से है तो आप सेंटर पर प्रयास कर लीजिएगा कि पहले दिन 7:45 करीब चले जाइएगा, क्योंकि पहले दिन आपको अपना जगह भी ढूंढना होता है, काफी चेकिंग भी होती है, तो पहले दिन आप उससे आधा एक घंटा पहले ही पहुंच जाइएगा, ठीक है। पहला पेपर आपका हिंदी है, ठीक। कितने दिन पढ़ रहा है? 22 फरवरी को। अब 22 से 27 यानी कि 5 दिन का आपका गैप मिल रहा है, ठीक है। और गणित के लिए आपको अच्छा मार्क आ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा आपको गैप मिल रहा है, मैथ में आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और ये पढ़ रहा है आपको 27 का, और मंगलवार का दिन पढ़ रहा है, और समय सभी का जो कितने, जो कि 8:30 बजे ही है, ठीक। अब यहाँ पर गणित का हो गया आपका, किस दिन पढ़ रहा है गणित का? 27 तारीख को। फिर देखिए लगातार ये 28 को क्या है, संस्कृत का है। जो संस्कृत के विद्यार्थी होंगे उनको फिर 27 के बाद 28 को उनको संस्कृत का भी एग्जाम देना है, और ये बुधवार को पढ़ रहा है, ठीक है। फिर 29 फरवरी को क्या है? विज्ञान है, ठीक। और गुरुवार के दिन पढ़ रहा है ये। 4 मार्च को क्या है? सोमवार का दिन पढ़ रहा है, और इस दिन अंग्रेजी आपका है, ठीक है। तो इसमें भी आपको देख रहे हैं कि गैप मिल जा रहा है, जो यानी कि विज्ञान के बाद अंग्रेजी का समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक। फिर इसके बाद 6 मार्च बुधवार को आपका क्या है? चित्रकला, जो चित्रकला करते हैं, कलाकारी करते हैं, उनको 6 मार्च को करना है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट एग्जाम कब है आपका? लास्ट एग्जाम है गुरुवार के दिन, यानी गुरुवार को शुरू हो रहा है और गुरुवार को ही खत्म हो रहा है। और कौन सा सब्जेक्ट है? लास्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जल्दी आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए अब आप लोगों को मुलाकात होगी नए लेक्चर में ही। तब तक के लिए नमस्कार।